अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, पितरों का दोष चल रहा हो, काल सर्प दोष कुंडली में हो, ग्रहण दोष हो, चंडाल दोष हो, तो शिव की पूजा करें। अगर बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हो, काम बनते बनते बिगड़ रहे हो, किसी ने कुछ करवा दिया हो, हाँ किसी ने धंधा पानी को बांध दिया हो, वह बंधन में आ गया हो, घर से बीमारी नहीं जा रही हो, महाराज जी इतनी बीमारी की पूछो मत। मैंने इतने कहा था कथा में बाबू जी, मैंने इन कथा में कहा था, मैंने घर में एक आदमी बीमार हो सकता, दो हो सकता, तीन हो सकता, अगर सब बीमारी है तो कोई बाबली मामला दूसरा है। कुंडली सब आदमी की खराब नहीं हो सकती है। अगर हम कुंडली की बात करें, ज्योतिष की बात करें, तो एक आदमी की कुंडली खराब हो सकती है, दो की हो सकती है, तीन की हो सकती है, लेकिन सबके कुंडली खराब कभी नहीं हो सकती। इसका मतलब बात कुछ और है, बात कुछ और है। तो अगर घर से बीमारी नहीं जा रही है, बच्चे परीक्षा देने जाए मन नहीं करता, कई कहते हैं महाराज जी पहले पढ़ाई में बच्चे खूब अच्छी काम करते थे, पर आजकल बच्चों का पढ़ाई मन नहीं लग रहा, अचानक पढ़ाई से बच्चे दूर हो गए, एक उच्चाटन जैसा लगता है घर में, ये बच्चे एक दो नंबर से परीक्षा में रह जाते हैं, घर में समस्याएं चल रही है, पता नहीं किसने नजर लग दी, क्या हो गया। तो घर में कोई भी समस्या चल रही हो, किसी भी प्रकार की समस्या, पति पत्नी में आपस में प्रेम नहीं है, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, हाँ घर में बात बात में झगड़ा होता है, घर में अशांति रहती है, कुछ सुख का अच्छा काम करते हो झगड़ा हो जाता है, नेगेटिव एनर्जी घर में आई हुई है, स्ट्रेस चल रहा है, घर में धन की बरकत नहीं हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम, तो आप एक कल और परसों, आज कल और परसों आप यहां पर बाबा श्याम के दरबार में, बाबा श्याम के दरबार में शिव महापुराण की पोथी या भागवत की पोथी करवाइए, या तो शिव महापुराण की पोथी करवाइए या भागवत की पोथी करवाइए। आप अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी समस्या लिखकर भेजिएगा। आप अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी समस्या आप हमें लिखकर भेजिएगा विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा। लेकिन महाराज जी पोथी की राशि क्या है, सेवा क्या है, 11,000 रुपया। भैया 11,000 का क्या होगा, वो 11,000 रुपये ब्राह्मणों की दक्षिणा है। आज आपने बिठाई है ना पोथी, पोथी बिठाई है ना आपने, आ जाओ आगे, आ जाओ मेरे पास आओ, आ जाओ आ जाओ। आज आपने भी पोथी बिठाई है, ये भी आए हैं बाबा श्याम के दरबार में, बाबा श्याम के दरबार में आए हैं आज भी आपने ही आओ, इन्होंने पोथी का भाव लिया है, 11,000 रुपये की राशि दी इन्होंने और आज पोथी का भाव लिया है। बाबा श्याम की खूब खूब कृपा पर बने विराजमान, प्रदोष के दिन पोथी लिए, बिल्कुल बिल्कुल हाँ। आप पहन लेना बाबा श्याम का नाम लेकर, महादेव का नाम लेकर, कल चतुर्दशी कल पहनना, कल मासिक शिवरात्रि कल जरूर पहन लेना। बोलिए महामृत्युंजय भगवान की जय हो। इन्होंने शिव महापुराण की पोथी करवाई है, तो आपके भी घर में कोई प्रॉब्लम हो, ये पहले खाटू में पर्सनल मिलने के लिए आए थे कल, और अपनी जब मन की व्यथा इन्होंने मेरे को बताई, और इन्हें पूरा परिवार रोज कथा सुनता है, और मैं तो कहता हूं आइए खाटू, आप पधारिए खाटू। और पंडित जी इनको समीपत्र इत्र, बाबू जी वो भी लेके जाना, समीपत्र दे दो, इत्र दे दो, रुद्राक्ष मैंने दे दिया, एक रुद्राक्ष और दे देना बाबू के लिए भी, और कोड़ी, ये सब के सब इनको आप ले लेना। अब ये कथा का प्रसाद है, ये कथा का प्रसाद, नहीं तो आपको कोरियर के द्वारा आता, नहीं आप यहां आए हो तो आप लेके जाना, इन बाबूजी को भी दे देना ये प्रसाद, और बबूती श्याम बाबा की आप लेके जाना। तो जिस जो जो आप जो कोई भी पोथी बिठाओ, तो आप अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी समस्या लिखकर भेज देना। जो हमारे टीवी में नंबर चल रहे हैं, समस्या लिखकर भेज देना, विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा पोथी करवाई जाएगी। एड्रेस इसीलिए मंगवाया मैंने
कि रुद्राक्ष बबूती कौड़ी ये सब आपके घर में आएगी, इत्र आएगा श्याम बाबा का जो अपने तिजोरी में रखना है, ये सब चीज आपके घर में आएगी, प्रसाद के रूप में आएगी, तो आप इसको ग्रहण करना, आपको आनंद आ जाएगा। पहनना सहज आनंद आएगा, सहज आनंद आ जाएगा, और पक्का पहनना। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का यूट्यूब चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुंचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।